नौ जिलों की 59 सीटों पर चौथे चरण का रण होगा। आपको बताते चले, रोहिलखंड के तराई क्षेत्र और इसी के साथ ही साथ अवध में वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे, लेकिन लखनऊ की लड़ाई भी कैसे दिलचस्प होती जा रही है, अब इस रिपोर्ट में जानिए। न दवाई दे पाए, न इलाज दे पाए, न अस्पताल भेज पाए, और ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए। लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, वे लोग आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। अब होगा अवध का रण। यूपी में चौथे चरण की चुनावी लड़ाई की सबसे बड़ी रणभूमि राजधानी लखनऊ है। लखनऊ की 9 सीटों पर बुधवार को वोट पड़ेंगे। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ के चिनहट इलाके में रोड शो किया। तस्वीरें देखिए, खुली गाड़ी पर सवार प्रियंका और उनकी एक झलक देखने को उमड़े कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग। इस भीड़ को क्या प्रियंका वोट में तब्दील कर पाएंगी, इसका पता तो 10 मार्च को मतगणना के दिन ही चलेगा। मेरे ख्याल से जनता ये समझ रही है कि जो राजनीतिक दल उनके सामने आकर धर्म की बातें, जाति की बातें कर कर करके उनको बांट कर खुद आगे बढ़ना चाह रही है, आज मेरे ख्याल से जनता समझना शुरू कर रही है कि जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं, इन्हीं पर जवाब होना चाहिए, इन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से उम्मीद तो ये है कि जनता ये बात समझे। कांग्रेस पार्टी एक नए राजनीति का विजन लेकर आए हैं। इसमें युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकार, किसान बहनों भाइयों को सुविधाएं देने का और आम जनों को महंगाई से निजात दिलाने की योजना है। हम उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने आज लखनऊ में थे। केजरीवाल लखनऊ पहुंचे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। एक वो आतंकवादी होता है जो जनता को डराता है और एक वो आतंकवादी होता है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। केजरीवाल वो आतंकवादी है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। वो शोले पिक्चर में डायलॉग है ना, जब 100-100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। चौथे दौर में जिन 59 सीटों पर चुनाव है वो बीजेपी के वर्चस्व वाले क्षेत्र हैं। 2017 में 59 सीटों में 50 सीटों पर बीजेपी विजयी रही थी। समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी और कांग्रेस को 2-2 और अपना दल को 1 सीट मिली थी। अगर चौथे दौर में बड़े और चर्चित नामों की बात करें तो योगी सरकार के 2 मंत्री मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं। शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से है। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आई विधायक अदिति सिंह रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं। प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व संयुक्त सचिव राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लखनऊ राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा चौथे चरण का चुनाव उनकी सियासी साख से भी जुड़ा हुआ है। भारत को जो आंख दिखाने की कोई कोशिश करेगा तो भारत के अंदर वह ताकत है कि हम बाउंड्री के इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत हुई तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लोगों को बात समझ में नहीं आती है, नहीं आती है। राहुल जी तो हमारे सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और साहस पर सवाल या निशान लगा देते हैं। बीजेपी ने भी पूरा दमखम लगा दिया है कि किसी भी हाल में यहाँ जीत दोहराई जाए। भाइयों बहनों, हमारा बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता है, इसके चित्र वाले बच्चे की छाती पे भी डर करके रगड़ने का काम नहीं करता है, क्योंकि वे प्रदेश को लौटते थे, गरीबों को लौटते थे और इसीलिए तय किया है बुलडोजर सड़क भी बनाएगा, एक्सप्रेस हाईवे भी बनाएगा और बस और बेमानों की संपत्ति को फिर से वापस सरकार
के खजाने में भरने का भी काम करेगा। तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। भाषा बदली के नहीं बदली उनकी, जो दिल्ली से कैंची लेके आते थे और लखनऊ वाले फीता लगा लेते थे फिर उद्घाटन होता था, बताओ भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई। और बुलडोजर बाबा कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे हम सो के उठते हैं हम भी उन पर नजर रखने लगे। और अब मैं देखता हूँ कभी कभी धुआं उड़ता है उधर से। लखनऊ की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ जीतने वाला दल सत्ता के सिंहासन पर बैठता है। देखना होगा कि अवध का ये रण कौन जीतता है। बाकी दो दिन बाकी हैं, जब 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदाता अपना फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।